अस्सलाम गाइस, यार आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैंने बाल आखिरकार कटवा लिए हैं, बड़े छोटे हो गए साफ। और हाँ, ये अच्छा जी, ये हमारा फैन गया था अभी हमसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पास्टा पिन्स। हम आखिरकार अपना व्लॉग स्टार्ट कर पा रहे हैं। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? देखें, मैं बड़े से बाहर निकला हूं बाहर, और हालत देखिए मेरे। वेयर इज योर मास्क? ओ मास्क जो है यार, मास्क छोड़ो, गोली करो यार। मास्क के यार, मास्क इज इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैं जेब में लेके फिरता हूं हमेशा यार। मास्क जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार। आप जब भी बाहर निकले ना, मास्क जरूर पहने, सही है? बेशक हसन भाई ना पहने यार, ये तो ना मास्क अपना मास्क लाए फ्लेक्स करना पड़ेगा। यस सर ओह शिट, मैं नहीं लाया। अच्छा जी, तो असन भाई, आज आपने सुना है पबजी बैन हो गई है, तो नहीं मतलब आपका क्या रिव्यू है कि बैन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? यार देखो, होनी चाहिए भी थी लेकिन नहीं भी होनी चाहिए। देखो बैन हो के अच्छा हो गया, ठीक है, बड़े पिंडी बॉयज उसके ऊपर आए थे, तो लोग यार असल में समझ नहीं रहे कि पबजी बैन होना जो था वो बहुत डमेस रीज़न पे हुआ जो है वो अच्छा ही हुआ, ठीक है, इट्स फॉर द बेटर, पबजी बैन होना चाहिए था। लेकिन सुसाइड्स के पीछे उन इडियट्स को पता नहीं है कि स्टूडेंट्स किस चीज़ से अभी आजकल गुजर रहे हैं, ठीक है। अभी कोरोना की वजह से आधे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिन्होंने इतनी मेहनत की थी पढ़ के, ए लेवल्स की तैयारी की थी, उनको अब वो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स दे रहे हैं, उनकी पूरी पढ़ाई भाड़ में गई, ठीक है। ऊपर से जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे थे, वो तो अपनी ज़िंदगी मोच रहे हैं। और जो चीज़ें उनको असल में बैन करनी चाहिए थी, वो तो टिकटॉक थी, जिस तरह वो लोंडे आए हुए आजकल टिकटॉक। अच्छा भाई, मुझे पबजी का ये लगता है कि यार, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूबर्स जो थे वो पबजी की वजह से ना मतलब के आगे आए हैं ना। हाँ यार, पबजी मोबाइल नहीं, उनका मतलब वो पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल है यार, वो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। वो क्या था वो जो, हाँ ई-स्पोर्ट्स यार, ई-स्पोर्ट्स खाली पबजी नहीं है, नहीं पबजी भी था ना, पबजी का हुआ था, लेकिन क्या नाम है, आगे आ सकता था। तो ये कि पबजी ने असल में बहुत बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, उनके मैचेस होते हैं पाकिस्तान में। अगर किसी चीज़ बच्चे किसी चीज़ में अगर उनका नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तानियों का, वो इन्हीं चीज़ों में। और तुम लोग वो उनसे ले रहे हो, ठीक है यार। कुछ पेरेंट्स आए आप लोग के पास, उन्होंने कंप्लेंट किया कि हमारे बच्चे पबजी में पढ़ रहे हैं। एक तो पेरेंट्स को असल में पता नहीं है कि वो क्यों उनके बच्चे डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। और लेट्स वो आप ये उनकी वजह से जो आप लोगों ने बाकी सारों को मसले दिए, दैट इज़ अनकाउंटेबल, ठीक है, बहुत गलत किया जा रही है। मतलब कि अब ये आफ्टर के ना वेरी लॉन्ग टाइम ना जो गेमिंग है ना पाकिस्तान के अंदर वापस आ रही थी। हाँ, बड़े अरसे बाद की वजह से बाकी गेमें इन होती जाती, फोर्टनाइट हो गई और बाकी एसीएस। एग्जैक्टली, तो आज हम जा रहे हैं बहरिया टाउन के गोल्फ क्लब में, और वहाँ पे हम स्नीकर मारेंगे क्योंकि वो पैसे लेते हैं और हम पैसे नहीं देना चाह रहे यार। अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, हम आप ये मेरे फैन वापस आ गए, ये फैन आज हमने अपने फैन को अपने साथ सर सैफ सर सर सैफ ये फैन को हमने साथ रखा आज हमने। थैंक यू सर सैफ सर सैफ, हेलो का फैन, तेरा फैन नहीं नहीं, मैं दोनों का फैन, हाय पासा पिन्स का फैन है यार। ये 100 रुपए दिए बता कि आप दोनों के फैन बन गए यार, ये बताना इनका यार, अजीब ही जैन जैन की जॉब भी दी यार, ये तो गलत है यार, ब्लॉग में डाल दिया। हां यार, स्क्रीन काट देना, is a snake comes your boss soft catch the snake the phone dial bola dikha de hope you did nothing wrong like so it's a service snake nikla pirate songs किधर निकले हुए थे? अच्छा, बेचारे असल में लग रहा है इंटरव्यू कर रहे हैं। ये यार, ये गैंग आ रही है बॉयज़, ये देखें माय फैन, फैन आ गए, फैन 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 यार, आप हर जगह पहुंच जाते, आप हर जगह पहुंच जाते सर, आपकी बताएं रात बताएं, हर जगह आप कैसे पहुंच जाते हैं यार? वेरी मेरा यार, क्या अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। रास्ते के अंदर हैं
मिनी गोल्फ क्लब जाने के लिए, मगर मगरिब का वक्त हो रहा है और अभी कोई नहीं पता कब तक पहुंचेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ये देखें यहाँ पे रेस हो रही है, वो तो बात है, तो स्पीड देखने के लिए रेस कर रहे हैं तो साथ साथ भागते ना। कुछ भी कुछ भी। ये देखें हम लोग अभी स्नीकिंग कर रहे हैं मेन गोल्फ क्लब के अंदर, ये सीक्रेट रास्ता है, यहाँ से किसी को भी नहीं पता होता। ये देखें, और ये देखें गोल्फ क्लब के अंदर हम पहुँच गए। ये घना हुआ है, हाँ, तो इसके अंदर बंदा चुपचाप बैठ सकता है, आके चिल मार, यहाँ पे बैठ जाते हैं चुप के। ये नहीं जाने वाला, रुक 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 रुक। Yes. Mission. Wait, Chipanji. हाँ वैसे अभी ये चीज़ फिट होगी। अच्छा जी, हम लोग मिनी गोल्फ क्लब के अंदर हमने स्नीकिंग मारा है, सही है। आपको कैसा लग रहा है मिनी गोल्फ क्लब के अंदर आके? हम गाइस, अगर आप वो रास्ता देख सकते हो, इलीगल रास्ते, तो प्लीज कभी फॉलो मत करना उस रास्ते को। ये सिर्फ हम लोग ही अलाउड है, क्योंकि ये अब्बास के अबू के लिए है, मेरा है, और यहाँ पे ई स्पोर्ट्स भी होता है। ई स्पोर्ट्स भी है, वो देख लिटरली लिखा हुआ है ऊपर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अच्छा चलिए, मैं टाइम करने के पास। तो गाइस यार, असल में तुम लोग यहाँ आ सकते, अगर आना चाहो, लेकिन गोल्फ क्लब के साथ आ रहे हो, क्लब ही कहते हैं ना इसको, हाँ, तो फिर आप लोगों को अलाउड नहीं आना, क्योंकि इसका मतलब है तुम लोग खेलने आ रहे हो। खेलने आ रहे हो तो पे करना पड़ता है, जो कि लीगल है, जो कि हम कर रहे हैं। टू बी फेयर, मैंने मास्क नहीं पहना, और वो भी आजकल लीगल कंसिडर किया जाता है। सो बैड बॉय फॉर लाइफ लगा कर आए हैं। दीवार से नहीं, हमने दीवार को ही नहीं टापा। उसी की मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ, उधर से एंटर हुए, वो तो रास्ता ही नहीं है, वो डोर है भाई, उधर खुला हुआ है, हमें तो यही लगेगा कि वो आने का रास्ता है। आप उधर से एंटर हो गए, आपको एंटर किसने किया? आपको किसी ने। क्यों एंटर हुए आप? दरवाजा खुला, क्यों एंटर क्यों हुए हैं? एंटर क्यों हुए हैं? अंदर लिखा हुआ दरवाजा, गेट ये है या वो है? हाँ जी, गेट कौन सा? ये वो गेट है, उधर कोई ओपन नहीं, ओपन नहीं है। जब इंटर गेट ही नहीं है तो आप इंटर क्यों हुए हैं? मैं एंटर गेट को थोड़ी ढूंढ रहा हूं, खुला हुआ था दरवाजा, इसलिए एंटर। मैं आपको स्कूटी को बताता हूं, आप इधर आ जाइए प्लीज, इधर तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अब कह रहे वो दरवाजा था, मैं इंटर हो गई हूँ, वो दरवाजा नहीं, दरवाजा ये और वो है। ठीक है, म्यूजिक तो गाइज, आई होप आप लोगों को आज मजा आया है, आपको क्या नाम है, हमारी जो ये फजूल की हरकतें आपको पसंद आई होंगी। ये कोई बाकी व्लॉग्स की तरह नहीं था, कोई स्पेशल एपिसोड या कोई मेन टॉपिक के साथ नहीं था, ये बस बात यह कि अब्बास भाई और मैं ज़रा बाहर निकलना चाह रहे थे, तो मैंने बोला मैं भी आ जाता हूँ। अच्छा, तो यार बस इसलिए फिर हम लोग, मैं भी आ गया यार, मैंने बोला यार बड़े दिनों बाद निकले, तो चलो असन भाई के साथ करते हैं कोई सीन्स, फिर मिलते हैं, चलते चलते। अच्छा जी, आफ्टर व्लॉग है यार, ये आफ्टर व्लॉग व्लॉग राइट यार, ये वाला राइट है, हाँ ये वाला राइट है, ठीक है, मैं जोर नहीं लगाता। अच्छा चलो, इसी पे तो जोर लगाना था। कर रहे, हाँ, इसको घुमाते हैं,
तुझे हर चीज हो रहा है अभी। तबीयत खराब है। अच्छा बस बस सही है यार, बस इतना काफी है।